नमस्कार, मैं दिव्या पांडे, आप देख रहे हैं हरियाणा आज। चलिए नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अपना रहे हैं। यही वजह है कि अब तक हरियाणा पुलिस 34 इनामी अपराधियों को काबू कर चुकी है, साथ ही 6 गैंगस्टरों को नशे में कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चलवा चुकी है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद के सूरजकुंड में गुरुवार से 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ या आज खत्म होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शिविर में शामिल हुए। डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरेलल देने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने राम रहीम की पैरेलल पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से 5 सवाल पूछे हैं। हिसार के आदमपुर उपचुनाव में प्रमुख पार्टी उम्मीदवारों ने अपनी जीत के लिए दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। चुनावी मतदाताओं को लुभाने के प्रयास करते हुए पुराने गड़े मुर्दे तक उखाड़ने जाने लगे हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए जिलों में फाइनल रिहर्सल किया जाएगा। शाम तक सभी 9 जिलों में 30 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। हरियाणा के अंबाला में एफसीआई कर्मचारी को हनी ट्रैप में फंसा 10 लाख रुपए की सौदेबाजी करने के मामले में महेश नगर थाना प्रभारी में संलिप्त पाए गए हैं। आरोपी SHO सुभाष कुमार थाना छोड़कर फरार हो चुका है। हरियाणा के अंबाला में एक युवक को अपहरण करके उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने मारपीट करते हुए युवक से बिना जुर्म माफी मंगवाई। हरियाणा के रोहतक में अग्निपथ योजना के तहत 4 जिलों में सेना भर्ती 28 नवंबर से शुरू होगी, जो 13 दिसंबर तक रोहतक की राजीव गांधी खेल स्टेडियम में चलेगी। हरियाणा के रेवाड़ी में रंजिश के चलते एक शख्स को चाचा और उसके परिवार के लोग हथियार लेकर मारने पहुंच गए। आरोपियों के साथ उनके परिवार की 2 महिलाएं भी। हरियाणा में 27,824 मोबाइल नंबर संदिग्ध मिले हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर ने इन नंबरों को साइबर सेफ पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। हरियाणा पुलिस इन नंबरों को ब्लॉक करने जा रही है।